दोस्तों मान लीजिए हमारे पास इस तरह के नंबर सिस्टम का एक डाटा है। दोस्तों ये नंबर ही नहीं है, ये डेट है, जैसे ये डे है, ये मंथ है, ये ईयर है। इसी तरीके का ये डाटा आपको हो सकता है मिल जाएगा भी, या इसमें ईयर यहाँ पे हो सकता है, मंथ हो सकता है, डेट हो सकता है, ईयर आगे भी हो सकता है कई डाटा में। तो दोस्तों ये है तो डेट, परंतु ये डेट के फॉर्मेट में नहीं है। इसे हम डेट के फॉर्मेट में कैसे चेंज कर सकते हैं? सबसे पहले हम करेंगे क्या, इसको कॉपी करेंगे। कॉपी करने के लिए हम यहाँ पर कंट्रोल सी का इस्तेमाल करेंगे और ये कंट्रोल वी करके पेस्ट कर देंगे। कॉपी इसलिए किया है ताकि जब ये डेट फॉर्मेट में चेंज हो जाए तो आप इसको मिला सकें कि पहले ये ऐसा था, अब ये ऐसा है। सबसे पहले हम इसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे डाटा टैब में जाएंगे, यहाँ पे टेक्स्ट टू कॉलम्स का ऑप्शन है, इसमें जाएंगे। यहाँ पर हमें किसी को कुछ नहीं छेड़ना है, डेलिमिटेड पे डॉट क्लिक है, इसी को ऐसे ही रहने देना है। नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट के बाद ये सारे टैब अनटिक कर देने हैं, इसमें ये टिक रहता है हमेशा, इसको भी अनटिक कर देना है। उसके बाद फिर नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर जो आप डेट का देख रहे हो, अभी मैंने आपको जैसे बताया था कि यहाँ पर डेट मंथ ईयर है, तो यहाँ पे डेट मंथ ईयर DMY लेना है। अगर ये ईयर आगे होता, मंथ बीच में और डेट आगे होता, तो फिर ये होता YMD, जैसे कि ये यहाँ पर है YMD, पर बाकी डेट मंथ ईयर है तो हम ये लेंगे और इसके बाद हम इसको फिनिश कर देंगे। और ये देखिए आप, ये जो डाटा था एक नॉर्मल नंबर थे, वो एक डेट थी पर डेट में फॉर्मेट में नहीं थी। इस छोटे से फंक्शन की वजह से ये पूरा डेट में कन्वर्ट हो चुका है। दोस्तों ये घंटों का काम सेकंडों में हो गया। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन में प्रेस करके ऑल को सेलेक्ट जरूर कर लें, जिससे कि जो मेरे आने वाले यूजफुल वीडियोज हैं उनकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।